हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चेतना जी किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी ले आई हूँ। आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है। और आज हम बनाने जा रही हूँ पोहे की रेसिपी, जो बिल्कुल खिला खिला और बिल्कुल परफेक्ट पोहा बनेगा आपका, अगर आप इस तरीके से बनाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये पोहे लिए हैं, जितने आपको बनाने हैं उतने। और फिर हमने पोहों को भिगो दिया है, तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे पोहे मतलब डूब जाएं उतना पानी हमें इसके अंदर डालना है, और सिर्फ एक मिनट तक रखना है। इससे ज़्यादा हमें पोहों को नहीं रखना है, नहीं तो ये पोहे हैं वो गल जाएंगे और आपके पोहे कभी भी खुले खुले नहीं बनेंगे। तो आप इसी तरीके से सिर्फ एक मिनट तक इसको पानी में भिगो के रखिए, और उसके बाद में फटाफट इसका पानी है वो अलग कर दीजिए पोहों से। तो ये देखिए, पोहे का जो पानी था वो मैंने अलग कर दिया है। और इधर मैंने यहाँ पे कढ़ाई के अंदर सबसे पहले सरसों का तेल डाल रही हूँ, या फिर आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो, जिसमें भी आप खाना पसंद करते हो वो। उसके अंदर मैंने आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर जीरा पसंद है, लेकिन जीरे का फ्लेवर पोहों के अंदर बहुत अच्छा आता है। और जीरा चटकने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज, कटे हुए प्याज। तो मैंने यहाँ पे दो कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, और सिर्फ एक ही हरी मिर्ची डाल रही हूँ। हरी मिर्ची आप अपने तीखेपन के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए, हरी मिर्ची भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और प्याज को और हरी मिर्ची को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जब तक कि प्याज का जो कलर है वो चेंज हो जाए। और ये यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर। आप चाहो तो इसके अंदर आलू, गोभी, कुछ भी, जो भी वेजिटेबल आप खाना पसंद करते हो, या फिर बच्चे नहीं खाते हैं और आप उनको खिलाना चाहते हो, तो आप इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर दीजिए जो भी सब्ज़ी आपको डालना चाहिए। वरना प्याज टमाटर हरी मिर्ची से पोहे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा पोहों के अंदर। और आधी छोटी चम्मच ही मैं यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। हम यहाँ पर धनिया पाउडर नहीं डालेंगे। पोहे बिल्कुल लाइटली बने और खिले खिले बने, तो मैं यहाँ पर सिर्फ तीन ही मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम डाल देंगे यहाँ पे पोहे। तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे हमारे पोहे कितने खिले खिले हैं, क्योंकि हमने पानी को फटाफट ही रिलीज़ करके अलग कर दिया था। इनको ज़्यादा देर तक नहीं भिगोना, सिर्फ पोहे बनाने में यही एक मेन ट्रिक होता है, वरना इसमें कुछ भी खास नहीं होता है। फटाफट बन भी जाते हैं, और ब्रेकफास्ट के लिए सबसे बेस्ट रेसिपी है ये। सिर्फ दो मिनट के अंदर पोहे रेडी हो जाते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। अगर आप बच्चों के लिए टिफ़िन बना रहे हो, या फिर ब्रेकफास्ट है, जो बिजी लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही खास टिप्स है ये। तो ये देखिए, मैंने पोहों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसके अंदर नींबू डाल दिया है। नींबू से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, हमारे जो खिले खिले पोहे हैं, मैंने इसको अलग बर्तन में निकाल दिया है, पोहे खाने के लिए रेडी है। आप इसका कलर भी देख पा रहे होंगे, कितना अच्छा कलर आया है इसका, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पोहे बने हैं हमारे ये। सभी इसको खा सकते हैं बड़े आराम से, और बिल्कुल हेल्दी भी होते हैं ये पोहे। इसमें कुछ भी हमने ज़्यादा ना तो ऑयल डाला है, ना कुछ ज़्यादा मसाले डाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को करना सब्सक्राइब और लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।